आप सबको बता दूं कि आज मैं आगरा के सबसे खूबसूरत से आप समझ गए होंगे कि हम कहां जा रहे हैं। जी हां, आप सब बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मोहब्बत की निशानी कही जाने वाली ताजमहल को दिखाने जा रहे हैं। वीडियो छोड़कर कहीं जाइएगा मत, बहुत मजा आने वाला है फ्रेंड्स। तो आइए फटाफट चलते हैं और दिखाते हैं इसे खूबसूरत नज़ारे। इसके अंदर जाते ही सबसे पहले बंदरों से सावधान रहने की जरूरत है, जे आपकी पर्स या खाने की चीजों को लेकर भाग सकते हैं। ताजमहल का सपना, ताजमहल क्यों बना इसे पढ़ के आप समझ सकते हैं। अगर आप घूमना चाहते हैं तो संडे को भूल कर ही मत जाइएगा। हम संडे को पहुंच गए और टिकट लेने और अंदर जाने तक करीब 2 घंटे तक लग गए थे। अब कैसे पता है कितना भीड़ है यहाँ पे। पहले हम लोग इतने भीड़ भाड़ में टिकट लेके अंदर जा रहे हैं। चेकिंग कराने के बाद चलते हैं अंदर। बने रहिए वीडियो के अंत तक, बहुत मजा आने वाला है। गाइस फाइनली हम 2 घंटे फाइनली में लगे थे टिकट लेने के लिए और अंदर आने के लिए। तो हम लोग फाइनली 2 घंटे के बाद अंदर आ रहे हैं और दिखाते हैं आपको अंदर कहाँ जा रहा है। इसकी खूबसूरती यहीं शुरू होती है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि बंदरों से सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ चारों तरफ बोर्ड भी लगा है। तो बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं अब ताजमहल की ओर। ताजमहल को बनाने में उस समय 3 करोड़ रुपए लगे थे। अगर आज के समय की बात करें तो लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह 17 हेक्टेयर यानी 42 एकड़ में फैला हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल लकड़ी पर खड़ा है और इन लकड़ी की खासियत यह है कि इसकी मजबूती के लिए नमी मिलनी चाहिए, जो इसे यमुना नदी से मिलती रहती है। ताजमहल के चारों ओर जो मीनारें दिखाई दे रही हैं वह इस तरह से बनाई गई है कि भूकंप आने पर मकबरे पर नहीं गिरेगी। यहाँ से अंदर जाने के लिए 200 रुपये का टिकट लगता है। इसका निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है। यह खूबसूरत शहर यमुना नदी के तट पर बना हुआ है।
आगरा भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है, जिसकी खूबसूरती की प्रशंसा पूरी दुनिया में रहती है। चाहे बात की जाए ताजमहल की या सुनहरे ऐतिहासिक इमारतों की जो इतिहास की कहानियां बयां करती हैं। नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।